एंड अबे सब जूनियर फुटबॉल लीग शुरू। हाँ जी, मैं हरजिंदर सिंह, सैकटरी पंजाब फुटबॉल एसोसीएशन। अज मैं इतने दुआबा स्पोर्टिंग क्लब वालों जो ये बच्चों की अंडर 12 14 16 लीग शुरू की, उत्थे आने का मौका मिले। ये दुआबा स्पोर्टिंग क्लब जिन्होंने अकबाल सिंह जी खेड़ा, तो समुची टीम बधाई की हकदार है कि जो ये एक्टिविटी, जो ये टूरनामेंट हर साल काफ़ी सालों तो करा रहे हैं। ये साड़ी लोड़ है समय की कि यह 12 14 16 जिहड़ा एज ग्रुप है, यही अगे पंजाब का, इंडिया का यही भविख है फुटबॉल का। इन्हों एक खेडन लिए एक इनकरेजमेंट मिलती है, कोई ना कोई एक्टिविटी हो, कोई टूरनामेंट्स हो, मैचिज हो, वो इन्होंने बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हर सेंटर से होंगी है, पर उन्होंने खेलने के मौके कई जगह घट मिलते हैं, पर इन्हों का बहुत बड़ा उपराला है। और दूजा ये एक जो देखा जाए तो सही एज ग्रुप के बच्चों मौका मिल रहा, किसी तरह का कोई देख के लगता नहीं कोई इन्हों ओवर एज मुंडा भी खेल रहा। और जो अलग अलग सेंटर के अलग अलग पिंड मैच हो रहे हैं, इन्हों सारा पिंड इन्हों देख के बच्चों खेलद्या देख के होर इनकरेजमेंट बाकी बच्चों होंगी है, तो वह भी अगे तो यह खेलन का अपना मन बनाते हैं। सो एक बार मैं फिर तो सारा दुआबा स्पोर्टिंग क्लब इन्होंने समूह अहदेदारा बधाई दिना, तो इन्हों का धन्यवाद करता जिहड़ा इन्होंने मैंने अगर इतने आने का मौका। सर इकबाल सिंह जी खेड़ा जी उन्होंने गल की भी मणिवर मणिपुर वर्ग जे उ चार चार अकैडमिया जो गवर्नमेंट वालों अप्रूव है, कि तुम पंजाब को रीप्रजेंट करते हो, तुम क्यों यह एफर्ट्स कर रहे हो कि इन्हों भी इस तरह पंजाब के। देखो असी समय समय से कोई ना कोई जरूर असी अपने वालों रिक्वेस्ट करी दी है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट और ईवन सेंटर में भी साढ़े वालों जाती है, साड़ी फेडरेशन वालों भी जाती है। हुण असी इन्हां दी द्वारा इन्हां दी रिक्वेस्ट जो कीती है, उस ते फिर असी इस पासे ध्यान देवांगे, तां कि क्योंकि पैसे तो बिना बच्चों के कोई एक्टिविटीज़ आप कराने पैसे तो बिना वो पूरी अधूरी है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मान लो फंड्स होंगे आ वो बकायदा सारे स्कूलों के इशू होन और बच्चों के सारा इन्हों का होर वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो इन्हों होर वधिया उपराले इन्हों का साधन बने। हमेशा यतनशील है बच्चों ये मौके प्रदान करने लिए, सो मैं सारे सज्जनों का और अज दुआबा स्पोर्ट्स क्लब वालों अंडर 14 का यह 10 जून का मैच करवाया जा रहा, एक नैशनल ईवेंट की तरह इन्होंने इस टूरनामेंट की शुरुआत की है। सो मैं समझदा 10 जून इकट्ठे करके उन्होंने खिलाड़ियों इत्थे लिया के लगातार ये मैच खत्म होने तो बाद फिर सीनियर दे मैच होने ने 30-35 दिन का यह टूरनामेंट है। मैं खेड़ा साहब नूं दुआबा स्पोर्ट्स क्लब के सारे अहदेदारां नूं बहुत बहुत वधाई दिना कि उन्होंने यूथ नूं इस ग्राउंड नाल जोड़िया होया, और जिस ढंग नाल उन्हां दी किट इन्होंने दित्ती है, किट पा के जिहड़ा जोश खिलाड़ी दे विच आंदा वह अपनी एक तरह का हुंदा, एक ऐसी दिख रही है, ऐसा शो हो रहा कि जिस तरह कोई